गुड मॉर्निंग। चलिए, इस बार हम आपसे बहुत दिनों बाद मिले हैं, पर फिर भी एक्सरसाइज का सेशन छूटा नहीं है। आज हम आते हैं वापस अपने सीनियर सिटीजन्स के एक्सरसाइज पे। टू रिमेन हेल्दी हमारे पास है 80-20 का रूल। 80% न्यूट्रिशन, 20% एक्सरसाइज। उस 20% से अगर आप 5% भी करें, 10% भी करें, तो बहुत अच्छी बात है। टेक योर टाइम एंड डू योर एक्सरसाइज। और हम यंगर जनरेशन को, जो फैमिली में है, चाहे उनके बच्चे हो चाहे उनके ग्रैंड चिल्ड्रेन हो, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो उनको हेल्प करें। यानी कि उनको आप बोलिए बार बार कि एक्सरसाइज करिए, हम भी करेंगे आपके साथ। दे नीड मोटिवेशन, और कुछ नहीं चाहिए उनको। दे नीड योर लव, दे नीड योर मोटिवेशन। आपका प्यार मिले, आपका मोटिवेशन मिले, आपका बढ़ावा मिले, तो आप देखिए वो कितने खुश, कितने अच्छे रहेंगे। और वो खुद एक दिन बुलाएंगे, अरे आ जाओ चल एक्सरसाइज करते हैं हम लोग। गॉट इट? चलिए सबसे पहले तो हम करेंगे एक्सरसाइज वार्मिंग अप का। आप अपने हाथ यूँ रखिए, ज़रूरी नहीं है कड़े रखें या लू ढीले छोड़े, कुछ भी नहीं, बस ऑर्डिनरी वे में आप अपने हाथ रखिए। तो ये वार्मिंग अप हम करेंगे फॉर द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, क्योंकि आज हमारी जो एक्सरसाइजेस है वो ब्रीदिंग के ऊपर है। ठीक, जितने इजीली आप कर सकते हो उतना ही करिए। अगर आपको कोई भी एक्सरसाइज में पेन होता है तो स्टॉप देयर। यू कैन टॉक टू योर डॉक्टर कि हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं कि नहीं। दे आर नॉट वेरी टफ, दे आर नॉट वेरी हार्ड। ओके, चलिए आप अपने हाथ यूँ करिए, और उसके बाद इसको लेके आइए, यूँ करिए, फिर यूँ ले जाइए, फिर यूँ करिए। कभी एक लेफ्ट हैंड ऊपर रहेगा, कभी राइट हैंड ऊपर रहेगा। इसी तरह से आपने एक्सरसाइज करनी है। ठीक, डू इट 5 to 6 times या 7 times आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं। 1, 2, 3, कभी एक हाथ ऊपर आएगा, कभी दूसरा आएगा। अब आपकी ये वार्मिंग अप हो जाएगी, फिर उसके बाद आपने ब्रीदिंग का नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि फर्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे हम। इसमें क्या है कि हमने अपने शोल्डर्स को ऊपर लेके जाना है ब्रीद इन करते हुए, और ब्रीद आउट करते हुए नीचे लेके आना है। पर आपके हाथ ऐसे खुले हुए होने चाहिए साइड में, ठीक है ना, ताकि आप अपने शोल्डर को ऊपर लेके जा सकें। ठीक है, कम ऑन, लेट अस स्टार्ट नाउ। तो हमने क्या करना है, अपने शोल्डर्स को ऊपर ले जाना ब्रीद इन करते वक्त, और ब्रीद आउट करते वक्त हमने हाथ को नीचे लेके आना है। हाथ आपके इस तरह से रहेंगे स्ट्रेच्ड, अंगूठा आपका बाहर की तरफ रहेगा। फाइन, इस तरह साइड में रखिए आप। पांच से सात बार करिए। इसी तरीके से आप एक और एक्सरसाइज कर सकते हो। कीप योर थंब इस तरह से, उंगलियों को ऐसे रखिए, ठीक है ना। अब आपने हाथ ऊपर ले जाते वक्त ब्रीथ इन करना है, हाथ नीचे लाते वक्त ब्रीथ आउट करना है। माने कि सांस ऊपर जाते वक्त सांस लेना, नीचे करते वक्त हाथ नीचे, सांस छोड़नी है। ठीक है, सॉरी, आपने हाथ को साथ में लेके आना है, हाथ नीचे नहीं करना है। ठीक है, दैट विल बी मोर इजी फॉर यू, क्योंकि बिस्तर पे बैठे बैठे आपका हाथ बिस्तर में लगेगा और आपको चोट, मतलब कि प्रेशर पड़ सकता है। वंस मोर, डू दिस वे, और आपने हाथ यूँ रखना है। आप हाथ ब्रीथ, सांस अंदर लीजिएगा, फिर आप अपने हाथ नीचे ले आइएगा। ये हो गए आपके आज के दो एक्सरसाइज। अब थर्ड एक्सरसाइज के लिए आपने अपने शोल्डर्स को पीछे ले जाना है और सामने लाना है। ठीक है, अगेन हाथ आपके सीधे रहेंगे, पीछे से आपने घुमा के सामने ले आइए।
इस तरीके से, फाइन। सो दीज आर योर थ्री एक्सरसाइजेस टुडे, लेट अस डू देम अगेन। नंबर वन, पहले वार्मिंग अप करेंगे। अब हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी वो होगा, हम अपने सांस अंदर लेंगे और कंधे ऊपर करेंगे, और सांस छोड़ेंगे तो कंधे नीचे करेंगे। हाथ आपके साइड में रहेंगे और हाथ ऐसे रखिएगा, अंगूठे स्ट्रेच्ड अप। फाइन। तीसरा एक्सरसाइज जो आज का है, आप अपना अंगूठे के साथ यूँ उंगली रखिएगा और इसको यूँ साइड में रखिएगा। पहले आप साइड पे रखिएगा और सांस अंदर ले लीजिएगा, और सांस छोड़ते हुए अपने हाथ साथ में लाना है। सांस लेते हुए हाथ बाहर जाएंगे, सांस छोड़ोगे तो हाथ साथ में आएंगे। ओके, तो आज के ये तीन एक्सरसाइजेस हैं। नेक्स्ट थ्री एक्सरसाइजेस हम आपको नेक्स्ट ट्यूसडे को बताएंगे। ठीक, हैव अ गुड डे, एन्जॉय योर लाइफ।